तो आई मैं अनबॉक्सिंग करना वाला हूँ नोवा NHT 1085 को, जो कि आप लोग देख सकते हैं नोवा NHT 1085। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है या पेड रिव्यू नहीं है, तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये प्राइसिंग मुझे पड़ी है 599 में, जो कि 600 रुपये। आप अपने लोकेशन के हिसाब से चेक कर ले, हो सकता है कि आपको कम में पड़े या इससे ज़्यादा में भी हो सके। तो आप लोग को बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करें। ये बिल, तो अब मैं इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। ये देख सकते हैं नोवा का ट्रिमर। अगर बॉक्स पे प्राइसिंग की बात करें तो बॉक्स पे 1695 लिखा है, लेकिन ओरिजिनल प्राइसिंग इसकी मेरे को 599 में पड़ी है। और बॉक्स पे कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं। आप लोग को यूज़र मैनुअल मिल जाता है, इसमें डायग्राम के साथ और लिखा भी हुआ है कि कैसे आप इसको यूज़ करें। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता दूँगा कि इसको कैसे यूज़ करें। तो ये हमारा मेन ट्रिमर है। बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग, जो कि USB नहीं है, इसको चार्ज कर सकते हैं। और ब्रश है और ऑयल है। तो मेन ट्रिमर की बात करें तो आप यहाँ पे लेंथ, जो इसमें लेंथ आता है आपको 0.5 से लेकर 10 mm तक आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको इधर दिख रहा है, एक अभी एक पे सेट हो गया, दो पे सेट हो गया, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप इसको उगड़ेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। जैसे आप इसको घुमाएंगे इस तरफ तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपका mm जो साइज़ के हिसाब से आप ट्रिम करेंगे, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से बाल को काट सकते हैं। और यहाँ पे आपको चार्जिंग लाइट दिखाएगी, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा, जो कि पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे एक LED लगा है। काफ़ी मॉडर्न लुक इसको दे रखा है। और अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो पहले आप इसको एकदम ऊपर कर ले, मतलब 10 नंबर पे कर ले 8, फिर इसको ऐसे हल्का सा ऐसे खींचे और ये निकल जाए। और अगर आप लोग, अगर आपको दाढ़ी के अलावा और कोई और चीज़ के लिए यूज़ करना है, क्योंकि ये सिर्फ दाढ़ी का ही दिया है ये कैप, अगर कोई और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नोज़ या शेप के लिए, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि अलग से अटैचमेंट ले सकते। और अगर आप लोग पूरा सेट ही लेना चाहते हैं अलग से, जो कि 1000 के ऊपर आएगा, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और ऑयलिंग की बात करें तो आप इधर इधर ऑयल इसमें लगा सकते हैं, या फिर इसका जो ब्लेड है इसमें भी ऑयल लगा सकते हैं इधर इधर ज़रूरत पड़ने पे। और आप, मैंने आपको इसको खोलना सिखा दिया। आप इसको लगाने की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको ऐसे फिट करेंगे। इसे फिट कर देंगे फिर आप ये लगा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक और ट्रिमर का जो है अनबॉक्सिंग कर रखा है, वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक नहीं था, आप अलग से कैप लगाते तो लगाते थे, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इसकी चार्जिंग टाइम बात करें तो 8 घंटे की है, और रनिंग टाइम इसका 45 मिनट्स, और 2 साल की वारंटी है। तो बस बॉक्स कंटेंट यही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बुरी लगी तो डिसलाइक करना, डिसलाइक करो तो नीचे कमेंट करना।